मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम भी नौकरी करते हैं। हाँ तो अब बस वही है ना, आप नौकरी करते हैं, मैं नौकरी करता। अब आपकी एजेंसी वाले बोलो रेंडमली कॉल कर मेरे को, धड़ा धड़ अच्छा, धड़ा क्यों धड़, क्यों, मजा आता है ना, क्या कह रहे हो, मजा आता है। क्यों? ऐसे कभी कोई बस गलती से एक बार गाली निकाल ले तो सब, मैं भी अपनी भड़ास निकाल दूंगा, बीवी से लड़के आता हूँ ना तो पूरी भड़ास इस पे निकाल दूं जो गाली मेरे को, अच्छा, मजा आता है। तो मैडम ऐसा तो ऐसा तुमको इतना डैम श्योर कैसे है? अरे क्या कह रहे हो? तो मैडम इतना डैम श्योर कैसे है तुमको? अरे आप ही कॉल क्यों करते हो? कॉल आती है ना आपको? आपका फोन आता रहता है, अभी क्या काम धंधे पे बैठे थे, दिवाली का टाइम है, काम धाम कुछ है नहीं, मन नहीं लग रहा, सोचा आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा, तो आप खाली बैठे, तो हम भी खाली बैठे हैं क्या? आजकल आप रिकवरी वाले कॉल नहीं करते, थोड़ा सा मन नहीं करता ना, वो क्या बोलते हैं ना, एंजॉयमेंट नहीं पेमेंट पे होता। पेमेंट करवा दो, हम आपको कॉल कर लेंगे, बिना इसी के अरे पेमेंट करवा दीजिए, इतना भी अच्छा नहीं लगता कि उस पागल के पैसे मैं दे दूं, ये तो फिर बात क्यों तो करनी पॉकेट है? का एंटरटेनमेंट है ना। बात क्यों करनी है फिर? अरे पॉकेट का एंटरटेनमेंट है ना मैडम। अच्छा, आपके लिए यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए बैठे हुए हम यहाँ पे, अब बोलो ना अपने एजेंसी वालों को, आजकल कॉल वॉल नहीं करते, उनको बोलो ना क्या तो करे। पेमेंट कर दो फिर, अरे पेमेंट का तो बात ही मत करो ना आपको यार, रोज पहले कॉल कौन आएगी, था मैं फिर पहले, रोज कॉल आएगी, आप पेमेंट कर दो। अरे भाई मैं पहले भी नहीं करता था पेमेंट, तो उसका पेमेंट मैं क्यों करूंगा, लेकिन कॉल करते थे अच्छा लगता था, अंदर से फील आता था अच्छा वाला। अरे तो उसकी कॉल क्यों लेते हो आप फिर? मैम ये काउंटर का फोन है ना, मेरा थोड़ी फोन है ये, अब पूरे दिन में खाली बैठे उसकी रहते, कॉल, उठाते जब रहे आप हैं। उनकी कॉल ले सकते हो, तो उनका पेमेंट नहीं करवा सकते क्या? मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, हम भी नौकरी करते हैं। हाँ तो अब बस वही है ना, आप नौकरी करते हैं, मैं नौकरी करता। अब आपकी एजेंसी वाले बोलो रेंडमली कॉल कर मेरे को, धड़ा धड़ अच्छा, धड़ा क्यों धड़, क्यों, मजा आता है ना, क्या कह रहे हो, मजा आता है। क्यों? ऐसे कभी कोई बस गलती से एक बार गाली निकाल ले तो सब, मैं भी अपनी भड़ास निकाल दूंगा, बीवी से लड़के आता हूँ ना तो पूरी भड़ास इस पे निकाल दूं जो गाली मेरे को, अच्छा, मजा आता है। यही काम करते हो क्या आप? मैडम पूछो मत, मतलब मतलब उसको तो बोल नहीं सकते, आप लोगों को तो गाली दे सकते हैं ना, क्यों नहीं बोल सकते यार? है उसको नहीं बोल सकते हो तो समझो ना, थोड़ा घर का मैटर है, इधर आप लोगों को गाली दिया मन भी है। सुनिए तो आप दूसरों की गाली दूसरों पे निकालोगे क्या? ये बताओ, अपने बीवी की अरे गलती आप हाँ दूसरों पे निकालोगे? हाँ मन भी हल्का हो जाता है यार, तो सारा अच्छा, एकदम। अरे और अगर हमने निकाल दी तो क्यों? वो आप निकालोगे तभी तो मेरे को मौका मिलेगा, ऐसे आपको थोड़ी थोड़ी आपकी निकाल तरह दूंगा। नहीं है ना, हर कोई बंदा आपकी तरह नहीं होता ना। अब आपने नहीं निकाली तो मैं आपको थोड़ी निकालूंगा, तो वेट कर रहा हूँ कि आप कब निकालो, फिर मैं आपको गले देना शुरू हर करूँ। कोई बंदा आपकी तरह नहीं होता है ना। तो मैडम आप फोन करते रहिए कि ये जाना, ऐसे थोड़ा टाइम पास नहीं होता मेरा, तो कॉल कॉल भी नहीं कोई आएगी जेंट्स फिर, ठीक है? रॉन्ग नंबर कर देती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे कोई अपने। जेंट्स, कोई जेंट्स करेगा ना तो भी चलेगा, अपन गाली देने से मतलब है खाली। अच्छा, गाली गलौज सीखा है क्या? घर वालों ने गाली गलौज ही सिखाया है क्या अब आपको? मैडम घर पे दे नहीं पाते ना, आप लोगों को देख के तो मन हल्का करते हैं। क्या, एक मिनट, क्या? नहीं, कस्टमर नहीं है ये, फालतू के फोकट के इंसान है ये। मैडम एक गाली दो ना मेरे को अच्छा, फिर क्यों दूँ? मैं दूंगा ना, मेरे को आपकी मौका आपकी तरह मिलना हूँ क्या चाहिए। मैं? आपकी तरह हूँ क्या मैं? अरे आओ नहीं रे, आपकी मैं तो तरह हूँ क्या? एक से ही परेशान हूँ आपको। अरे